ये चमड़े वाला सट्टा लगेगा और सट्टे में लगेगी और इसका लगाया जाएगा जब भागेगा प्रतिमा तो ये यहीं लगेगी। जाति पहले थी वहीं लगवानी पड़ेगी, मजबूरन लगवानी पड़ेगी। ये मोदी सरकार के घुटने हम टिकवा देंगे, मूर्ति बाबा साहब की जहाँ थी वहीं लगवाएंगे। इससे पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अभी तो ये टेलर है, आगे और देखना क्या होगा। कितने लोग हैं ये लोग? तो कुछ नहीं है, अभी देखना 21 तारीख में देख लेना। अभी 21 तारीख में भारत बंद करोगे? भारत पूरा बंद होएगा। जैसे 2018 में हुआ ना, ये वो चाहते हैं मोदी जी। गोली लगी थी तब? गोली लगी थी, यही तो चाहते हैं हमें, यही तो चाहते हैं देश में गदर फैले और मैं राज करूं। तेरे लोग मारे गए? तेरे नजर कितने मारे गए? ज्यादा मारे गए, 13 से भी ज्यादा मारे गए। यही तो चाहते हैं अगिन ये विद्रोह खड़ा करा और इन्हें जेल में बंद करे। यही तो नीति है इसकी और है क्या? ये शांतिपूर्वक से थोड़े काम करने देते। ये प्रतिमा लगा तो दी आपकी? कहाँ लगा दी, मत से कैसे हटा दी? केदारनाथ बद्रीनाथ के मंदिर के हटवा देना अगर ताकत है तो मोदी में। भगवान है वो? हाँ तो भगवान, हमारा भी भगवान है ये, जिसने संविधान बनाया पूरे वर्ल्ड में मानने हुए आदमी आदमी उसकी मूर्ति हटा दी। ये तो अपराधी है, दोषी है, ऐसा कुछ जेल में जाना चाहिए राक्षसों को। मोदी जी को प्रधानमंत्री है वो? आप प्रधानमंत्री है यो? जो हम बाबा साहब की मूर्ति का संविधान निर्माता की मूर्ति को हटा दे, वो मोदी है, वो पीएम है, वो तो एक देश का गद्दार आदमी है। उन्हें अपराध किया है, छाती है छप्पन की नहीं है, ये आरएसएस छप्पन नहीं है, ये तो बदमाश पार्टी है, संस्कारी पार्टी। संस्कारी नहीं है, संस्कार को बिखेर रही पार्टी है। ये इसमें कोई संस्कारी नहीं है, ये मनुवादी पार्किंग बन रही है, वहाँ सौंदर्यकरण हो रहा है, फूल पत्ती लग रही है बाबजी, ये मनुवादी पार्टी है। ये फूल पत्ती तो ओरा लगवा रहे हो ना, क्या देश में फूल पत्ती की कमी है या पार्लियामेंट में फूल पत्ती लगेगी? लाखों प्रतिमा है बाबा साहब की देश में, वहाँ तो यहाँ क्यों ना हटाई? यहाँ के उसका पेट में मरोड़ा आ गया, मर गया यो? क्यों मर रहा है? मूर्ति उधर तो देश इलेक्शन में लड़ रहा और रात को चोरी सके हम तो बता रहा। अगर पीएम मोदी की ताकत है तो दिन में मूर्ति हटा कर दिखा दे, अगर ना उसके काम रात में ही करते हैं, रात में कर रहा है सारे। चोरी है, डकैत है, डकैत है, चोर है, इसलिए रात का काम करता हूँ। प्रधानमंत्री है? अरे प्रधानमंत्री तो चोर है, गुरु है, विश्वगुरु। हाँ विश्वगुरु नहीं है, सबसे ज्यादा बेकार गुरु है। ये तो ढकोसले मैं मान लू, मंदिर को मान लू, मानता नहीं है कुछ भी है। ये तो ड्रामे है, ये ड्रामे भरता। तीसरी बार पीएम बने? हाँ तीसरी बार भैया, अब तो 400 पार हो रही थी ना, क्यों ना कर ली थी 400 पार? 400 पार क्यों ना? ये तो थोड़ी सी गलती रहेगी, अगर ईवीएम पे वोट नहीं पड़ती ना तो पता चल जाता इसको। आपके तो सांसद भी है, 131,000 विधायक है पूरे देश में। सांसद वे तो सांसद बने ना, वे तो मलाई खाने के लिए बन रहे, वे तो मलाई है, मलाई खा रहे हैं वे बोल थोड़े रहे। अन्ना हिम्मत मोदी की अम्बेडकरवाद आपका? अम्बेडकर कमजोर नहीं है, अम्बेडकरवाद जो थोड़ा घना सो गया था वो जाग चुका है, वो जाग चुका। आप किसने जगाया? हम हैं, ये देश ने जगा दिया, संविधान ने जगा दिया, क्योंकि हम ये हमें ये था अगर देश संविधान से चलेगा ये कोई गलत काम नहीं होगा, लेकिन संविधान के विरोधी काम कर रहे हैं। अरे वो तो चूमते संविधान को मोदी जी? चूमते नहीं है वो चीमता चूमता नहीं है, वो तो दिखावे के लिए चूमता है। हाँ ये मोदी कह रहे थे कि हम संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री संविधान की वजह से बन गया, लेकिन संविधान के तो विरोधी काम कर रहा है। हैं ये तो सारा विरोधी काम कर रहा, संविधान में सेक्शन ये हटा रहा, संविधान को खत्म ये कर रहा, धारा ये हटा रहा। अखिलेश, राहुल गांधी, राहुल गांधी वे मत बताना, उनकी मजबूरी है, वे भी बचाएगा, ये भी बचाएगा, ये भी घुटने में टिक जाएगा। अभी जल्दी कौन बचाएगा? जल्दी है? जल्दी कौन बचाएगा? जल्दी तो यही जल्दी बचाएंगे। जल्दी तो आप चिंता मत करो, जल्दी के लिए तो ये जो जनता है ना, ये जल्दी जो जनता ही मनाएगी इनको, इनको सबक जो सिखाएगी ना, ये जो जनता खड़ी है ना, ये जनता सिखाएगी इनको। अनाज मिल रहा है फ्री 5 किलो? अनाज अनाज के 5 किलो के अनाज में पूरा कुनबा खा लेगा पूरी साल। आपको पेंशन मिलेगी? पेंशन आपको पढ़े लिखों ने धोखा दिया बाबा साहब को? बाबा साहब को पढ़े लिखों ने धोखा नहीं दिया, बाबा साहब की तो अब भी हेल्प कर रहे, जब भी हेल्प कर रहे थे। ये तो इन्होंने हमारे लिए नुकसान पहुँचा। बीवी में मस्त हो आप? टीवी बीवी में मस्त नहीं है, इन्होंने हमें गुमराह किया है, ये गुमराह करने में नंबर वन है। ये गुमराह के वजह से हम लोगों को जातिवाद में बांट रहे हैं,
अब तू वो वाल्मीकि है, तू फलाना, तू ठिकड़ा, तू मुगड़ा, हर कास्ट को बांट रहे हैं ताकि जातिवाद में फंसे रहे और तुम अपना काम शुरू कर। दिन में लग जाएगी प्रतिमा, क्या लग रहा है? मूर्त प्रतिमा तो लगनी जरूर है, आज ना कल लगेगी 100%। गरीब गुरबा समाज है, कितना आंदोलन करोगे आप? कितना भी करेंगे ना मर जाएंगे ना। तो मरने के लिए बने हो आप? मरने के लिए तैयार है। बाबा साहब की मूर्ति रहे हो शुरू से आप? बाबा साहब की मूर्ति लगवानी है हमें, और हम चाहे मरना मर जाए लेकिन मूर्ति वहीं लगवाएंगे। हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे अगर हमने बाबा साहब की जो मूर्ति लगी वो भी हटवा दी? हम अपने बच्चों को क्या बता पाएंगे? इसका मतलब 1960 के दशक में लगी थी प्रतिमा, बीपी मौर्य लगवाए थे, लाखों लोगों ने आंदोलन किया था, क्या ऐसा आंदोलन हो पाएगा दोबारा? इससे ज्यादा होएगा, उससे ज्यादा आंदोलन होगा। ये मोदी जी है ना, जितने इसने गलत काम किए सब पछताना पड़ेगा। और ये एक दिन लिखवा ले, आज बता रहा हूँ, ये जेल में जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा जेल में मोदी जी, बिल्कुल 100% जाएगा। किसी कीमत में नहीं बच सकता, कोई सी सरकार आ जाए, अगर आज मैं पीएम बन जाऊँ ना तो इसे अभी एक सेकंड में अंदर डाल दूंगा। आप पीएम कैसे बनोगे बताओ? पीएम के बदले जैसे वो बना सीएम बन जाएंगे, उसके चार हाथ पाँव हैं, वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो चाय बेचता था, आपने तो चौथी चाय भी ना बेच के। एडवोकेट हो ना, चाय में भी पानी मिला के देवे था। आप तो एडवोकेट हो। हाँ मैं एडवोकेट है, तो उससे तो ज्यादा पढ़े लिखे है ना। कोर्ट जाओ ना, सड़क पे क्या रखा है? कोर्ट में अगर हम ही यहाँ नहीं आएंगे तो बेचारा अनपढ़ आदमी कौन आएगा यहाँ? जब हम ही नहीं आएंगे तो यहाँ पढ़ा लिखा तो जरूर आना चाहिए यहाँ। हाँ कोर्ट में भी जाएंगे हम, कोर्ट में भी लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। पार्लियामेंट वाले चुप बैठे इस मैटर पर? वही तो, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठ रहा, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन वहाँ भी उठ रहा, बसरते ये कुछ आदमी जो दल्ले है ना, दल्ले आपके भाई बंधु हैं। भाई भाई का क्या मतलब? जब वे दल्ले बन रहे हैं तो भाई का क्या मतलब? भाई दल्ला नहीं हो सकता क्या? भाई दल्ला नहीं हो सकता, दल्ले हैं। घेरो ना फिर उन्हें, ढूंढ के सब गलत आ गए आप। हम उन्हें भी घेरेंगे, इन्हें भी घेरेंगे, ना कोई भी उन्हें भी घेरेंगे, इनके बाद में उन्हें भी घेरेंगे, उनका नंबर आने वाला है, उनका उनका नंबर। चिराग पासवान, उदित राज, अठावले, वे सब आ जाएंगे, खूड में आ जाएंगे। जब वे खूड में आ जाएंगे ये तो अपने आप खूड में बैल की तरह भागेगा आगे आगे, इसका लगेंगे सट्टे। हाँ सट्टे लगेंगे, आगे जाएगा खूड में टकटक। हाँ वो गवई अठावले का जो है ना भाई, वो तो गवई साटा भी वो लगेगा चमड़े वाला। बोर तो हमारी मर्जी है, ला रहे हो आप? किसको ला रहे हैं? जो है सत्ता में, सत्ता में तो यार हमने तो इन्हें वोट जिंदगी ना दे, यहाँ के बाद में करेंगे पार्लियामेंट का घेराव भी किया जाएगा। पुलिस खड़ी है बहुत, पुलिस खड़ी है, पुलिस भी हमारे बंदे, हमारे भाई बंदे नहीं है आपका, लेकिन सोटा वो सोटा जो हमने तो दे रखा उनको, वो जो सोटा हो ना हमें नहीं तो दे रखा। वकील साहब जब से सरकार आई है दो प्रल हो गया, रविदास मंदिर हो गया, और फिर ये डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, फिर आपकी प्रतिमा हटा दी, तो मोदी सरकार आपसे दिक्कत क्यों मान रही है इतनी सारी? उसका पेट में मरोड़ा मारा है, पेट में मरोड़ा मारता है, बाबा साहब की मूर्ति के खिलाफ चलता है हमेशा, संविधान के खिलाफ चलता है, संविधान का विरोधी है ये, अगर संविधान का विरोधी नहीं होता तो ये नहीं होती। दिक्कत ये है जब अमेरिका जैसा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर के पहले से ही है, और उनको टॉप फोर में देता है, नंबर देता है, तो अब ये बात यहाँ निकल गया थी, ये जो लोग हैं इस कम्युनिटी के लोग हैं, इसका मतलब इनके अंदर जो दिमागी जो चीज़ है वो बहुत ही हाई क्वालिफाइड है, अगर इनको थोड़ा सप्रेस किया जाए किसी न किसी तरीके से तो हम पहले की तरह आगे रहेंगे। और अब आप जगह जगह एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग आगे आ रहे निकल के, बट बात वही निकल के आती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अभी पहले इस पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे एक बताइए कि इस मूर्ति हटाने का 3 कारण बता दीजिए, आपने हटाई क्यों, क्या फायदा दिख रहा था मूर्ति हटाने का? संसद घर का रंग रोगन नहीं करते जब आप नहीं हटाते हो क्या? रंग रोगन तो कोई इतनी छोटी मूर्ति तो नहीं है, आपने उसके बाद उठा के रख दिया। अरे उसको और भी हम महात्मा गांधी की शिवाजी की, हाँ उनको भी हटा दिया। इस देखिए आप कह रहे चलो हम, हाँ आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या इस मूर्ति को ये हटा रहे हैं, ठीक है ठीक। मैं ये कहना चाहूँ आपको और मूर्ति लगानी है, आप देश भर में लगा रहे हैं मूर्ति, अरे वही आपको थोड़ा और लेकर के अगर और इन्वेस्ट करना आप वहाँ पे भी रखिए, क्योंकि पहले जो लोग आते देखने के लिए पुराने संसद देखने के लिए आते हैं और उनको वाकायदा देखते हैं और पहचानते हैं, अपनी आइडेंटिटी पहचान गए, ये हमारी आइडेंटिटी आदर्श को हटाना ही सबसे बड़ी बात बन रही है। हम चाहते हैं आदर्श ना हटे, और संविधान के हमारे जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं आप देखिए उनमें जाकर लेगा आदर्श की क्या सम्मान की जाए, और बी आर अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं।